के जिस वक्त उत्साह सिंह सोमवती को घर पर छोड़कर और अपनी नौकरी करने के लिए चला जाता है, तो जब उसको गए हुए 5 महीने बीत गए तो एक चिट्ठी लिखवाती है। उस चिट्ठी में उसने क्या लिख दिया भला? हाँ, ओ बेदर्दी, 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 ले ले दया, ले दया, ले दया, प्यारी पीर की, ओ प्यारी पीर की, जलमी पिया तावला साये, बेदर्दी जलमी पिया तावला साये, देखे घनी मने मत पात्र दखाइए, तेरे बिना सब सुनी हो, कहते आवे पिया बन रात बेहूनी हो, हो पलंग नवारी तेरे बिना सब सुनी हो, कहते आवे देखे मरदा बन के मारी तेरी आजूनी हो, डाटे तो नो डटता जो बन खुनी हो, बना नरमो ही दुख दिया सुख भी दवाइए, नरमो ही दुख दिया सुख भी दवाइए, देखे आने मेरे सबेरी सोत लग तेरी प्यारी की, चौबीस घंटे आज तेरी इंतजारी की, हो मैं हरदम चाहूं टहल करूं घर बारी की, तक की बात तेरी करारी की, अब पाटे कहिया धीरे बंधाइए,
चाल बदन की डटती को न डाटी हो नू बूझू तन कौन सी गलती छाटी हो हो सुन कह जी चालिया सो सुघाटी हो मन भाइया किसु तेरे ना की लगी ओ चाटी हो ना आनंद मन लिया नेरे फेराइए मैं तेरी ब्याही मन ना फाइए बेदर्दी ले ले दया कमल सिंह कर माफ मेरी गुस्ता की हो रहेगी मन की मन में सारी बाकी हो हो कमल सिंह कर माफ मेरी गुस्ता की हो देख तेरे बिना ना मिले दवाई घाकी हो ए दवार न बेली बाटू तेरे नाकी हो मेरा खलता को न जिया तुझे प्रेम तेरा चाहिए खलता को न जिया प्रेम तेरा चाहिए मेरी नाव भवर मैं तू पारे लगाई जिस भगत तो जानी चोर ब्राह्मण का भेष बनाकर और देवलगढ़ की गलियों में चक्कर लगाता है कि कोई हाथ दिखा लो पतरा दिखा लो तो वह सुनारी उसने उसको पहचान लिया न्योली दादा आइए एक पै और मेरे हाथ की रेख देख और सब तमोटी काली मना एक सह के मेरा जमाई घर से गए हुए 12 साल हो लिए आज तक उसका कोई पता नहीं जब आप ब्राह्मणी जब वह सुनारी और ब्राह्मण बातें कर रहे थे इतने वहां सोना दिया टपकी और उस ब्राह्मण के तय एक बात के द्वारा उज्जैनी चोर से क्या कुछ करने लगी भला हाँ बोली हो पतरा खोले दादा हो पतरा खोले दादा तेरा मानूंगी शान कड़ी जा से जान पतरा कोल दाता तेरा मानूंगी शान कदियों गाथ आला मेरी लकड़ी
क्या बता दिया पहली कड़ी में? ओ उस बेदर्दी ना हो गए 12 साल, एक बेबी आके मेरी ले ना संभाल, रात दिन मन आवे दाता अच्छे बुले क्या, समान
जरा देखी आपस की बधाई मार गई, चश्मा टोपी सूट बूट तो टाई मार गई, लंबे लंबे सूट की सिलाई मार गई, बाकी कुछ बच्चा तो रटाई मार गई। Bye.
गई लेकिन धोलाई मार गई है। पहचान गया रे क्यों मुंह पर सास करे से तन जान गया पहचान गया रे क्यों मुंह पर सास करे से हर काता सूट पहर के न छोरिया कर नाश करे से करे जिंदगी सर अरे ई बीत
थम जा तन मरम जा किस्से से है कि जिस वक्त लड़का पुणमल रानी नोनादे के दर्शन करने के लिए गया हैरान हो जाती है देख के लड़के पुणमल ने कह रही तू मेरे धर्म की माँ है मैं तेरा बेटा हूं तू कहती क्या तेरे को शर्म नहीं आती क्या बताने लगा बता
रहने पूती खड़ारी जड़पे तेरा पूरण पूती
कंध की कली सब सवर कर दे भली जाती रानी नोना दी को कहते कहते पुनमल से, लेकिन उसकी बात को वो मानता नहीं कि तुम मेरी माँ है, मैं तेरा बेटा हूँ। यह आखिर बात क्या है मैं समझ नहीं पाया। तो वो उससे समझाती है कि मेरी बात सुन ले, लगे चलो हंड फिर आऊ कि यार। दूसरा ने बोला कि जा को देला दे सही को न्या। वो दूसरे कहन लगे पड़े हैं 15-20 रुपए आंडा होंगे दिल्ली सूबे मन चाल पड़े बड़ा भी थोड़ा है। कला के लिए चाल भाई इन दोनों चाल पड़े। डीटीसी में बैठ लिए, एक आगे के बैठ गया एक पाछे के बैठ गया। और जब वो पाछला वो कंडक्टर धोरे गया ना, कंडक्टर बोले टिकट ताऊ बुढ़ा बड़ा होशियार था न, उन क्या ना लिखा हुआ है। दूसरा तो पूछ रहा कड़ा जाएगी बस रहे। फिर बुढ़े ने सोची आ गया नंबर में, कंडक्टर बोले ताऊ टिकट है बूढ़ा फिर नौन तो नंगा फिर के नौन लिखावा आ भाई बीड़ी ले रहा था छोरट। जान गया कंडक्टर भी का सली से, नो बोले टिकट ले काम चल लगा तेरा, नो कहे तो नहीं बात बने। कल ना कह रहे क्यों जात ले रहा था पैसे को न्या, अगर नो तो फिर सारी बस कह देगी मेरी तो नौकरी गई। नो बोले मेरे यार कोई बात ना हो जाए कर मानस के लिए धोखा, तू नो सोच लिए गांव की छोरी फेट गई। कंडक्टर ने सोची रहे कोई बात ना सियाणा मानस है, और भाई हो जाए अगर मानस की केवरा जेब कट जाए कोई परेशानी हो कल आ गया ताऊ बैठ जा। वो आगे ने गया और सुन गया वो अगला पीस भी उस बात ने। जब वो कंडक्टर आगे निकलिया वो कंडक्टर धोरे जाके पैसे को बोले एक और बैठा थे तेरे कैसा पीस, वो भी नो कहता पैसे को न्या। बोले कोई बात ना, अब क्यों कोई बात क्यों ना, वो तो नो भी कह था सोचे गांव की थोड़ी फेट की थी। नो बोला जो कोई बात ना, यू सोचे छोरी के लपेटे वो भी आ गया। तो भाई ये रहा, इसके भी आइटम होंगे, ये बैठा परिचय करवाएंगे आपका, उसके हाथ बांध रखे खड़िया से एक बठे पे ट्रक खड़िया से देने। तो एक बात और भाइयों के सामने, उसके बाद फिर अगला प्रोग्राम चलेगा। मंग में भरी सूचा उमंग में, मंग में भरी सूचा उमंग में।
ਕਿਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਘਰ ਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੋਹਤਕ ਸੇਠ ਫੇਟ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਘਰ ਲਾ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ੇ ਜੀ ਮਗਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੜ ਗਿਆ ਮਗਾ ਕਿ ਅਗਬਲਿਆ ਮੈਂ ਕਈ ਯਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੁਰ ਜਾ ਲਿਆ ਉਨਕੀ ਕਿਸੇ ਕਿਤੇ ਛੁੱਟੀ ਕੋਨ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕੰਮ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉੜੇ ਦਰਿਆਓ ਦੋ ਰੁਪਏ ਕੀ ਇੱਕ ਈਂਟ ਸੇ ਦਰਕਨ ਨਹੀਂ ਆਓ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਤਵੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਈਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਕੀ ਛੁੱਟੀ ਕੋਨ ਆ ਔਰ ਮੇਰੀ ਗੇਲਾ ਚਾਲ ਪੜੋ ਆਪ ਮਾਂ ਕੀ ਤੱਕ ਬਿਲਾ ਮੇਰੀ ਸਸਰਾੜ ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਲਿਆਓ ਮਗਾ ਸੁਰੇਸ਼ ਯਾਰ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਕੋਨੇ ਮੰਨੇ ਦੋ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਪੌਤਾ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤਰਕ ਵੀ ਡਿਗਰ ਜਾਏਗੀ ਆਪਕੇ ਚਾਲਣ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਬਾਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾਈ ਕੀ ਵੀ ਤਨ ਵੱਜ ਜਾਏਗੀ ਡੱਬੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਗਾ ਲਿਓ ਚਾਲ ਭਾਈ ਤੋ ਇਨਕੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਥੇ ਜੋ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਸੇ ਆਏ ਥੇ ਜਬ ਤੋ ਉਸਨੇ ਉਹ ਕਈ ਆਈਟਮ ਲਿਆ ਕੇ ਦੀਏ ਇੱਕ ਜੈਨੀਅਨ ਸੈੱਟ ਲਿਆ ਕੇ ਦੀਆ ਔਰ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਘੜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਨੇ ਸੋਚੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਅਗਾਡ ਨਹੀਂ ਘੜੀ ਨੇ ਇਸਕਾ ਰੋਪ ਬਣਾ ਘੜੀ ਗਾਟ ਲੀਵਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਖੋਲ ਕੇ ਦਰਦੀ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਰਾਮਾ ਕਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬੁਢੀਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜੀ ਬੇਟਾ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੋ ਮਗਾ ਔਰ ਬਸ ਉਬਾ ਨਾ ਤਲੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ ਕਦੇ ਘੜੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਵਾ ਘੜੀ ਅੰਧੇਰੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚਮਕੇ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਥੂਕ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਬੁਢੀਆ ਨੇ ਕਹਾ ਦਿੱਖੇ ਦਾ ਅਬਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੂਝ ਸੀ ਭਾਂਜ ਕੇ ਬੁਢੀਆ ਦਿਮਾਗ ਬਾਤ ਆਈ ਜਨਾਨੀ ਘੜੀ ਸੀ ਪੁਤਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲਿਆ ਬੇਟਾ ਸੁਰੇਸ਼ ਕਹਾ ਆ ਕਿਤੇ ਬੈਨ ਜੀ ਲੱਗ ਗਿਆ